तो कैसे हैं आप? मैं अनुकौशिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल अनुकौशिक मेकअप आर्टिस्ट में। तो जी आज मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने। ठीक है, एक तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं, शायद देखते ही रहते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट प्लीज़ फ्रेंड जरूर किया कीजिए। तो जी मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप फेयर स्किन के बारे में कुछ बताइए, या फेयर स्किन के बारे में मतलब कैसे हम अपनी स्किन को फेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी थी लॉन्ग हेयर के बारे में। तो लॉन्ग हेयर के बारे में मैम मैं शायद कल या परसों में आपके लिए पक्का वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि थोड़ा सा सीजन का टाइम शुरू हो गया है तो थोड़े से टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन मैं वीडियो आपके लिए पक्का बनाऊंगी क्योंकि हर सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो मतलब आपको किस पे चाहिए। तो जी ठीक है, चलते हैं, है ना, शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फेयर स्किन की। देखिए कलर चाहे फेयर हो या मतलब अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ कि काले गोरे का मतलब नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, ठीक है, ये नहीं, लेकिन स्किन साफ होनी चाहिए, मतलब झाइयाँ पिंपल। देखिए तो फेयर टोन या डार्क टोन इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, स्किन होनी चाहिए क्लीन, है ना। स्किन क्लीन का मतलब है जैसे पिंपल ना हो, डार्क स्पॉट ना हो, झाइयाँ ना हो। ठीक है, तो ये क्लीन होनी चाहिए। फिर भी मैं आपने मुझे फेयर स्किन का पूछा है, तो जी पहले हमारी नीड होती है कि हमें हमारी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना चाहिए। डेली नाइट को स्किन को मॉइस्चराइज जरूर कीजिए। आप मुझसे पूछेंगे किसी ब्रांड का मॉइस्चराइज मुझे लेना चाहिए, तो बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। ठीक है, पर्सनली आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं पक्का बताऊँगी मॉइस्चराइजर के बारे में, बट डेली आपको मॉइस्चराइजर करना है। ठीक है जी, अपनी स्किन को, है ना। लोग ऐसे होते हैं कि जो एलोवेरा का यूज़ करते हैं और फिर बोलते हैं कि एलोवेरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एलोवेरा अगर इतना ही अच्छा है तो फिर ये स्किन पे वर्क कैसे करता है कि हम एलोवेरा लेते हैं और लगाए जा रहे हैं, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है कि ठीक है इक्वली एलोवेरा। एलोवेरा का काम एलोवेरा तब करेगा कि हम किसी से उसको ऐड करें, किसी चीज़ में उसको ऐड करें। ठीक है जी, तो एक बहुत अच्छा पैक बताने जा रही हूँ आप लोगों को, आप रोजाना इसे यूज कीजिए और देखिए फिर अपनी स्किन पे कैसा वर्क करता है ना। पहले क्या करते हैं हम लोग, नीम का पाउडर लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी लेते हैं और जी एलोवेरा, इसमें एलोवेरा मिक्स करते हैं और फिर स्किन पे लगा लेते हैं, सूखने तक छोड़ते हैं, उसके बाद वॉश कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पैक, है ना। ये पैक लगाने के बाद फिर हम करेंगे एलोवेरा से मसाज। ठीक है, एलोवेरा से मसाज क्या करना है, या तो आप विटामिन ई और एलोवेरा मिक्स कीजिए, या घर में मलाई होती है, सबके घरों में मिल जाती है। तो आज मैं नेचुरल ही चीज़ें बता रही हूँ आपको कि नेचुरल तरीके से आप लोग अपनी स्किन को फेयर कर सकते हैं। तो जी हमारे घर में जैसे मलाई होते हैं, मलाई और एलोवेरा को एड डाउन कीजिए और नाइट में मसाज करके सो जाइए। तो ये है ना, मतलब वो वाला आपका मॉइस्चराइजर बन गया है, बिना ब्रांड वाला, है ना, घर का, है ना। तो फिर चलते हैं जी, इसके बाद आपने मॉइस्चराइज किया, मॉइस्चराइज करने के बाद आप सो जाइए और सुबह मॉर्निंग में उठिए और फिर चेहरे को वॉश कीजिए। ठीक है जी, ये मैंने आपको बहुत अच्छा पैक बताया, आप यूज कीजिए और मुझे बताइएगा जरूर कि ये आपको कैसा लगा और किसकी स्किन पे कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे पक्का शेयर करूंगी, बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरी वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना भूले। और आपको